पारुल जी, गले उतरती है बात कि कंगना के घर आनन फानन 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर दी जाए नोटिस के बाद, और मेरे पास ये बीएमसी का पूरा एफिडेविट है जो हाईकोर्ट ने सबमिट किया है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि गैर जरूरी था जो कुछ हुआ, और विंडिक्टिव एजेंडा लगता है हाईकोर्ट का ये कमेंट है। इस एफिडेविट में बीएमसी ने कहीं नहीं कहा कि उन्होंने घर क्यों घुराया, जल्दबाजी क्यों की, कहीं नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कहानी लिख दी, पूरी की पूरी रामायण लिख दी, और कुछ नहीं कहा। आपको क्या लगता है, कंगना सही है या संजय राउत? दीपक जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि तेवर तो दोनों ही के कम नहीं है, ना ही शिवसेना के कम है, ना ही कंगना रनौत के कम है। बट इससे पहले कि मैं इस बात पे उठाऊं, मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि कंगना रनौत को तो देश की बेटी बता दिया। अभी सूरज जी और कोहली जी बहुत बोल रहे थे कि कंगना रनौत देश की बेटी है, उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये सूरज जी की जो ये कहा थे जब दीपिका पादुकोण की, वो भी तो देश की बेटी है, जब पद्मावत के टाइम इन्होंने ही बोला था कि हम उसका गला काट देंगे, हम नाक काट देंगे, हम ये काट देंगे, तो उसको वाई सिक्योर कैटेगरी सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली, और क्यों कंगना को सिक्योरिटी दी जा रही है? ऐसा क्या राजनीतिक एजेंडा है कि कंगना को पाकिस्तान बुलाने के बावजूद भी उस पर कोई सेडिशन चार्जेस नहीं है? और जब सीए का मुद्दा था तो 3000 लोगों को कस्टडी में लिया गया था, और कंगना के खिलाफ कोई भी नहीं। ये बीजेपी का टू फेस डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है ऐसे?